हेलो एवरीवन, यू आर वेरी 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 वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ एक बीएल स्टोरी लाइन शेयर करने जा रही हूँ गाइस, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मुझे नहीं पता ये किसी ने कभी शेयर की है या नहीं, बट मैं आपको एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी बीएल चीज़ें शेयर की थी, वो शेयर करूँगी। और गाइस, आपको जो भी इससे रिलेटेड पूछना हो, नॉवल कौन सी है, नाम क्या है, वो मैं कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकती। आपको उसके लिए इंस्टाग्राम पे बीएल स्टोरी टेलर करके मेरा पेज है, उस पर जाएँ और उस पर वहाँ पर वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। बिकॉज कुछ गाइडलाइन होती हैं यूट्यूब की, वो हम गाइस वॉयलेट नहीं कर सकते, वरना चैनल बंद हो जाता है। इसलिए मैं जो हूँ आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप को अगर कुछ भी क्वेरी करनी है ना किसी भी नॉवल रिलेटेड, तो वो आप मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बताना है कि आपको ये नॉवल कैसी लगी, फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके जो भी आपको ऑनेस्ट रिव्यूज देने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए इस नॉवल को हम शुरू करते हैं। ये नॉवल एक स्टूडेंट और एक टीचर के लव पे बेस्ड है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी, तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ भी नीचे ना बोले। ये स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक टाइम की बात होती है, एक मोरन नाम का बंदा होता है जो एम्परर होता है, उसे लोग बाग डॉग बोला करते थे। पीपल जो उसके होम टाउन के होते थे वो उसे डॉग इसलिए कहते थे क्योंकि उसके जो मतलब वो जो लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में बिलीव करता था और जो भी चीज़ें करा करता था वो बिल्कुल डॉग से सिमिलर हुआ करती थी। और उसके यंगर कजन्स भी उसे डॉग फेलो कहा करते थे। उसकी ग्रैंड मदर भी उसे एक डॉगी का बेटा यानी कि डॉग कहा करती थी। ऑफ कोर्स वहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो डॉग रिलेटेड इसलिए था, और उसे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि जो लोग उसके साथ सो चुके थे वो लोग जानते थे कि उसका ये नाम रखना गलत बात नहीं है, क्योंकि उसके जो हिप्स थे वो इतने पावरफुल थे जितने कि मेल डॉग्स के होते हैं, और वो उन लोगों को बहुत स्वीटली अपने झांसे में ले लिया करता था। और उसकी एक जगह थी, वो बहुत ज़्यादा डेडली वेपन थी जो कि जिंदा विमेन को और मेल्स को अट्रैक्ट कर दिया करती थी उसकी तरफ, और पलक झपकते ही लोग बाग जो हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करते थे। उसको प्यार से मो व्यू कहा करते थे। मो व्यू जो है बहुत ही हैंडसम मैन था, पावरफुल उसका टूल था, यानी कि आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उसका जो बॉडी पार्ट था एक, वो बहुत ही ज़्यादा घातक था, और उसने ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे उसने अनसेटिस्फाइड रखा हो, वो लोगों को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाता था, इसलिए उसका नाम जो था उन लोगों ने डॉग रखा हुआ था, सिली डॉग। मोरन को वो लोग एक सिली डॉग कहते थे जो कि सिर्फ अपना सिर घुमाता रहता था और अपनी पूंछ हिलाता रहता था। वो इसे इस तरह की चीज़ों को इसलिए बोला करते थे जब तक वो एम्परर नहीं बना था कल्टिवेशन वर्ल्ड का। एक दिन एक छोटा सा कल्टीवेशन वर्ल्ड वहाँ घूम रहा होता है और उसे एक डॉगी भेजता है। वो डॉगी ग्रे और सफ़ेद रंग का होता है, उसके फोरहेड पे तीन रेखाएं होती हैं और वो वुल्फ की तरह दिखता होता है। वो इतना बड़ा होता है जैसे कि कोई मेलन हो, लेकिन वो मेलन की तरह ही दिखता था। वो बहुत ही ज़्यादा फैट और राउंड था, जैसे कि हस्की वगैरह डॉग होते हैं, थोड़ा गोल मटोल सा था। वो भागने में भी तेज़ था और बहुत ही क्रेजी किस्म का डॉग हुआ करता था। उसकी जो टांगे थी बहुत ही शॉर्ट थी और वो हर टाइम फेल हो जाया करता था। मोरन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लेकिन ब्रेनलेस था, और वो एकदम से हंस पड़ता है उस डॉगी को देख के। वो हंसता है और कर्स करता है अपनी सांसों के नीचे, तुम डॉग फेलो। और वो पपी ना एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, अपनी प्यारी प्यारी आँखों से एक डॉग को देखने लगता है। ये डॉग बड़ा था और ओल्ड हो चुका था, और ओल्ड डॉग धीरे धीरे एक टाइम आता है जब वो मर जाता है। मोरन की आंखें बंद होती हैं और वो फिर से अपनी आंखें खोलता है। वो उस डॉग को पैम्पर करता है, वो जानता था मिसट्रीट करेगा। और एक दिन ऐसे ही उसकी लाइफ के 32 साल निकल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था हर चीज़ से, बोर होने लगा था। इन सालों में कुछ कुछ लोग ही थे जो उससे फैमिलियर थे, सिर्फ तीन फ्लेम जो थी जो उससे मिली थी। और ये टाइम कैसे ज़िंदगी का निकल गया और आज की डेट में सब चीज़ें ख़त्म होने पर आ गई थी। वो एक अंगूर उठाता है और एक प्लेट फ्रूट की वहाँ पड़ी होती है, वो उसकी पर्पल स्किन को, उस अंगूर की छिलके को छीलने लगता है। वो प्रिंस चियांग पीलिंग, वहाँ पर एक वुमेन आती है उसके चैम्बर में, वो लेजीनेस से भरी हुई थी और जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। जो हमारा मोरन होता है वो आज की डेट में एक एम्परर था, जिसे एक ग्रेप छिलने में भी उसके तकलीफ आ रही थी। उसका जूस जो था वो उसके हाथों से बह रहा था और फेंटली वो पर्पल कलर का ही था। जो ये हमारा मोरन होता है उसे दिखता है कि सनसेट होने वाला है, वो एक सेब को एक फूल की तरह समझता है, जैसे कि
स्प्रिंग सीजन में फूल खिला करते हैं, ऐसे ही ये सेबों का सीजन था। उसे कुछ ब्लड की बूंदें भी दिखती हैं। वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपने मुंह में डालता है और खाने लगता है। वो अपनी खुद की फिंगर को टेस्ट करता है लेजीली और अपनी आंखों को उठाता है और इस बारे में सोचता है कि एक दिन उसे नर्क में जाना होगा। मो रन का कर्टिसी नेम व्यू था। मो उसका सरनेम था, रन उसका नाम था, लेकिन उसे मो व्यू भी कहा जाता था। पहले मोनार्च में कल्टीवेशन वर्ल्ड हुआ करता था, जिसमें उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वो एक एम्परर था जिसकी बहुत ही ज़्यादा मोटी स्किन थी और उसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा हार्ड था। वहाँ पर 10 से ज़्यादा मेजर सेक्टे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में खड़े हुआ करते थे और उतने ही हाई प्लेसेस पे थे, लेकिन उन सेक्ट के बीच में खींचातानी बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज था। उनके लीडर जो थे वो बहुत ही अलग अलग वे में रहा करते थे। वो कहीं ना कहीं क्लासिकल टेक्स्ट के बारे में बहुत नॉलेज रखा करते थे और वो लोग जानते थे कि वो डरते थे हिस्टोरियन से जो कि उनकी फ्यूचर जनरेशन को टॉन्ट करेंगे उनके इतिहास को लेके। लेकिन मॉरन बहुत ही डिफरेंट था। वो बिल्कुल हुलीगन था और वो ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा करता था। वो सिर्फ बेस्ट अल्कोहल जो वर्ल्ड में है या फिर ब्यूटीफुल वुमेन से शादी करना ज़्यादा पसंद करता था और वो इस पूरी दुनिया का लॉर्ड नक्शिया बन चुका था। वो लीडर था कल्टीवेशन वर्ल्ड का। उसके सामने ना जाने कितने बड़े बड़े रैंक के लोग सिर झुकाया करते थे। 10,000 लोग रोज उसके सामने प्रोस्टेट लिया करते थे और उसकी लंबी उम्र की कामना मुंह से तो किया करते थे, दिल से तो पता नहीं। और वहाँ पर ना जाने जो भी इंसान उसके आगे घुटने टेकने से मना कर दे, वो तो जैसे उसकी आखिरी दिन हो जिंदगी का। वो तो बुरी तरह से कांप जाता था अपने मरने के डर से। वो सारे दिन जब उसकी डोमिनेंस हुआ करती थी वर्ल्ड पे, कल्टीवेशन वर्ल्ड पे, वो हर जगह खूनी और ना जाने कितने खून की बूंदे, लोगों की रोने की आवाज़ें वहाँ गूंजा करती थी। ना जाने कितने राइटेजियस मैन से वो मिला और सबको मार दिया। और उन 10 सेक्ट मेजर सेक्ट में से एक सेक्ट था जिसे रूफिंग सेक्ट करते थे, जिसे उसने पूरी तरह से उड़ा दिया था। बाद में मोरन जो था वो उसका जो मास्टर था उसने उसे सिखाया था कि कैसे अपनी बुरे दुर्भाग्य से भागते हैं। उसने एक फेस ऑफ में वो भी मोरन से हार गया था और उसने वापस मोरन को पैलेस में एज अ फॉर्मर बिलव्ड डिसिपल लाकर उसे इम्प्रिजन कर दिया। मोरन ने उसे हमेशा बांध के रखा। किसी को नहीं पता कि वो उसका क्या था। उस लैंड पे उसने ना जाने कितने ब्यूटीफुल लोगों को इस भागदौड़ी में, इस प्यास में मार डाला। उसे डॉग एम्परर मोरन जो कहा जाता था वो गलत नहीं था, क्योंकि वो लोगों को अपने पास बांध के रखता था। उसकी जब ब्रेन थी यानी कि उसका शासन था, उस टाइम ना जाने कितनी चीज़ें ऐसी हुई कि उस एरा का नाम सच में बहुत ही डिफ़िकल्टी से लिया जाता था। पहले 3 साल का पीरियड तो उसके शासन का ऐसा था कि एम्परर का नाम वांगवा बोला जाता था। उस एरा को वांगवा कहा जाता था। वो मन में सोचता है और वो खुद को फिश खिलाता है। जो बाकी के उसके सेकेंड 3 ईयर्स थे यानी कि बाद के जो 3 ईयर के पीरियड था, उस एरा को क्रॉप कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपको फ्रॉक सुनाई दिया हो इस दौरान, लेकिन उसे क्रॉप कहा जाता था। उसने ना जाने कितने लोगों को हेवन में भेज दिया। और जब उसका वांगपा और क्रॉक का पीरियड एंड हो जाता है, तब भी लोगों को मोवियो के बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जब उसका 3 ईयर का पीरियड फिर से शुरू होता है, पीपल तभी के तभी समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। वो बुद्धिस्ट कल्टिवेटर थे, तायोस्ट कल्टिवेटर थे, स्पिरिचुअल कल्टिवेटर थे। वहाँ पे राइटेजियस पर्सन्स थे जो टॉलरेंस नहीं कर सकते थे मोरन के उन भयंकर तांडव को जो वो दुनिया में फैला रहा था और वो रिवोल्यूशन लाना चाहता था। मोरन मन ही मन सोचा करता था सीरियसली इस टाइम में कि ना जाने कितने ड्राफ्ट्स हैं और कितनी शॉकिंग चीज़ें हैं इस अर्थ में। उसका नाम ऐसे लेना चाहिए जैसे दुनिया कांप जाए। वो नोस्टिक नाम चाहता था, मतलब जो कहीं एक जगह सहमत ना रहे या एक चीज़ पे अटल ना रहे। और उसकी इंटेंशन, वो एम्परर था लेकिन उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ था। वो सिर्फ 2 वर्ड के साथ आता था, एक स्टॉप फाइटिंग और एक अपने जो वेपन से उन्हें नीचे रख दो। बस वो लोगों को यही कहा करता था। ये बहुत ही ऑकवर्ड है ना लोगों का उसके बारे में कहना, लेकिन यही सच था। वो सडनली लोगों को बहुत ऑकवर्ड लगता था, जैसे कि वो कोई अनपढ़ गवार इंसान हो। जब फर्स्ट ईयर था उसका, तो फर्स्ट ईयर उसका नो स्टिक था। जब उसकी सेकेंड ईयर आया तो भी वो नो स्टिक रहा, और थर्ड ईयर में भी नो स्टिक, तो किसी भी चीज़ पे अटल नहीं रहता था। सच में उसे रिडिकुलस माना जाता था। वो यूज़ नहीं करना चाहते थे नो स्टिक एजेस तक, क्योंकि वो आदमी किसी भी बात पे अटल नहीं रहता था। वो उससे कुछ पूछना ही नहीं चाहते थे।
वो जानते थे ना जाने कितने साल तक ये नो स्टिक रहने वाला है, यानी कि अपनी बातों पे अटल नहीं रहने वाला, 100 ईयर्स नो स्टिक और ना जाने कितना। तभी वहाँ पे 3 ईयर्स उसके एरा के ख़त्म होते हैं जिन्हें नो स्टिक कहा जाता है, जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता था। वो टाइम ऐसा था कि जब वो अपनी चीज़ों पर अटल नहीं रहा और ना जाने उसने कितनी दहशत फैलाई हो। वो जो फोर्थ एरा आता है ना उसकी ज़िंदगी का, वो उसका नाम मोरन जो है वो अपने दिल से निकालता है। और सच में वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक अलग राह पे ही ले गया था। वो राइट टीजीएस मार्शल आर्टिस्ट और हीरोज़ जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के होते थे, जिन्होंने ना जाने कितनी चुप्पी डिकेड्स तक साधी हुई थी, यानी कि सदियों तक साधी हुई थी, वो टाइम सच में उन्होंने पैलेस के अंदर एक एम्परर फाउंड किया जिसका नाम मो वी यू था। मो वी यू कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक एम्परर और किंग तो रहा, लेकिन सच में उस जैसा इतना दुराचारी बंदा कोई नहीं था। उसने ना जाने महीनों तक कितना खून बहाया है और ना जाने कितना उसने लोगों को कत्लेआम किया। उसने लोगों को ऐसी पीक तक पहुंचा दिया जहाँ लाइफ और डेथ उनके सामने हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे जिनको शूजोंग कहा जाता था, वो सारे के सारे धुएं में क्लाउड में बदल गए। ना जाने मोरन के पैलेस में कितने लोग प्राउडली वहाँ पर सबमिट करने आए, खुद को उसे सौंपने आए, उसके आगे झुक गए। कितने लोगों के एरोज़ ने उन लोगों के बोस को तोड़ दिया और कितने लोगों को धराशाही करके उसके पैलेस के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी स्ट्राइक इतनी ज़्यादा डेंजरस होती थी, उसका वार इतना ख़तरनाक होता था जैसे वो एक विक्ट्री की लाइट हो, किसी ने उन पर एक ऐसा चाबुक ऐसी लाइट मारी हो कि मोरन के हक में जहाँ भी वो जाएगा वो सब फतेह कर लेगा। उसने सारे ओल्ड रूलर्स जो थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी एक नई एस्टैब्लिशमेंट वहाँ लाकर रख दी थी, एक नई गवर्नमेंट लाकर रख दी थी। कोई भी सारे के सारे बंदे वहाँ पे एग्जॉस्ट होना चाहते थे, उनके अंदर जैसे एनर्जी ही नहीं बची थी और कोई भी उसके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। वो बस लीड लेते थे माउंटेन्स की। वो लोग डरते थे, वो चालाक थे, लेकिन वो डरते थे इस खूनी धराशाही इंसान से। वो जानते थे कि ये कितना बीस्ट है, इसके जो सफ़ेद पंख हैं कितने ख़तरनाक हैं, और जो भी इसके सामने आएगा ये उसे अपने पंजे में जकड़ लेगा। कोई कहता है मो वी यू की स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत चतुर पर्सन है, और अगर आप उसके ट्रिक्स में नहीं आएंगे तो आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। ये एक लीडर एक्सप्रेस कर रहा होता है एग्रीमेंट में कि वो कैसा है। वो हमेशा सिल्वर ब्लू लाइट आर्मर पहन के, यानी कि जो कभी कहीं जाने वाले कपड़े होते हैं वॉर फील्ड के, वो पहन के रखता था। उसकी बेल्ट जो थी वो लॉयन के हेड से, यानी कि शेर के सिर के सजी रहा करती थी। उसके जो बाल थे वो हाई पोनीटेल में हुआ करते थे, और वो बहुत ही खूबसूरत सिल्वर कलर की रिंग पहनता था जो कि इसका बेस जो है उसके पोनीटेल में हुआ करता था। वो लिटरली बहुत खूबसूरत लगता था, एकदम उसकी जो शक्ल थी वो उसके यूथ को दर्शाती थी। और एक यूथ का एक्सप्रेशन होता है उसे देखते ही, और कहता है हम यहाँ पहुँच गए माउंटेन के नीचे वाली सतह पे, और सच में मेरा अब ऊपर जाने का बिल्कुल मन नहीं करा। क्या हम यहाँ पर मूवी यू के लिए वेट करें या फिर हम नीचे चले जाएं? वो खुद से आ जाएगा। वहाँ पर ना जाने कितने लोग हैं जो कि उससे डरते हैं और वो गुड फॉर नथिंग है। तभी के तभी वो ये बात बोलता है और उसके अराउंड जो लोग होते हैं वो कहते हैं यंग मास्टर शू, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं डरपोक से? अगर एक फाइट हो जाए आर्मी के साथ तो आप जानते हैं ना कि उसके क्या प्रतिक्रिया होंगी, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे कुछ गलत हो जाए। तभी कोई हंसते हंसते बोलता है ही यंग मास्टर शू, आपका फेवरेट सन है ना वो हेवंस का, आपका इकलौता बेटा जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनर है, सिंस आपका सन जो है हेवंस का वेट नहीं कर सकता विद एम्परर और मॉडर्न रेल में, तो क्यों ना आप जो है इस माउंटेन पे सबसे पहले चढ़ें और क्यों ना आप एक बैंक्वेट सेटअप कर दें वो भी इस माउंटेन के अंत में, और क्यों ना आप मूवी यू को वापस से वहाँ ले जाएं, कितना अच्छा होगा ना ये सब अगर आप कर देंगे तो। उसके वर्ड एकदम चुभने वाले थे, और एक यूथ टाइम में वापस ले जाते हैं उसे, और वो अपने प्यारे एक्सप्रेशन के साथ कहता है यंग मास्टर शू प्लीज़ इस ओल्ड मॉन्क की बातें सुने। ये जो ओल्ड मॉन्क है ना ये जानता है मूवी यू को कि उसकी कितनी गहरी दुश्मनी है, तो प्लीज़ आप इस तरह के इम्पॉर्टेंट मैटर को ना उछालें और प्लीज़ सबके बारे में सोचें, अपनी फीलिंग्स को एक्ट ना करें, वो ये बोल रहा होता है। और मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ, हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि ये ओल्ड मॉन्क कौन है और इससे बात कौन कर रहा है। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।